नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हालात काफ़ी चिंताजनक बने हुए हैं, तो वहीं देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों के आंकड़ों में तेज़ी आई है। पिछले 24 घंटों में 70,000 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। ये अब तक का रिकॉर्ड आंकड़ा है। इससे पहले एक दिन में इतनी संख्या में मरीज अस्पताल से छुट्टी लेकर घर नहीं गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 5 सितंबर को एक दिन में 70,072 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं और मौजूदा समय में देश की कोरोना से रिकवरी दर 77.23% हो गई है। मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 3 सितंबर को कोविड-19 बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 68,584 थी, 1 सितंबर को 65,081 और 24 अगस्त को 57,469 थी। मंत्रालय का कहना है कि देश में कोरोना बीमारी से लड़ने वाले मरीजों की संख्या में ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। मई में कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 50,000 थी, जो सितंबर में आकर 30,00,000 हो गई। मौजूदा समय में देश में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों की संख्या 31,00,000 के पार हो गई है। देश में कोरोना से कुल ठीक हुए मरीजों में 60% योगदान 5 राज्यों का है। महाराष्ट्र ने 21% रिकवरी का योगदान दिया है, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसके बाद 12% के साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का 11.91%, कर्नाटक का 8.82% और उत्तर प्रदेश का 6.14% योगदान रहा। मंत्रालय का कहना है कि देश में कोरोना के कुल मामलों में 75% मामले रिकवर हो चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।